हेलो एवरीवन, जय हिंद। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड द टॉप एजुकेटर ऑन एकेडमिक प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। आई एम ऑल्सो द ऑथर ऑफ थ्री बेस्ट सेलिंग बुक्स फॉर मैगरोइल्स पब्लिकेशन फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। और मेरे मैगरोइल्स के जो बुक्स है उसके नया एडिशन, सेकेंड एडिशन, अपडेटेड एडिशन अभी मार्केट में आने वाला है, आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। एंड सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर का नोटिफिकेशन आ चुका है। 253 पोस्ट है, अच्छे पोस्ट है। पिछले साल 159 पोस्ट है, अप्रोक्सीमेट कट ऑफ 136 टू 137 गया हुआ है पेपर वन का। दिस मीन्स दैट 253 पोस्ट कट ऑफ अराउंड 125 के आसपास इस साल जाएगा। सो कट ऑफ कम होने वाला है, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है। नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में मैं ऑलरेडी दूसरा एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये वाले वीडियो में मैं मेनली आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, और एग्जैक्टली मैं आपको एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपकी कोई गलती ना हो। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर का कोचिंग आप करना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो हमारा ऑनलाइन बैच अनअकैडमी के ऊपर 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें मैं आपको पेपर टू जनरल साइंस पढ़ाऊंगा, विशाल कुमार सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, दिव्य गुप्ता मैम एक्स असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, नितिन राठौर सर मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे, सिद्धांत शर्मा सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, गगनदीप राजपूत सर जो पॉलिटी के बाप माने जाते हैं वो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, श्री प्रतीक सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और हिमांशु कुशवाहा सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 3 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यू कैन यूज रेफरल कोड सीएपीएफ बाबा और इट विल आल्सो गिव यू 10% ऑफ भी आपको इसमें मिलेगा। और 15 मई से हम लोग पेपर वन और पेपर टू का टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 10 फुल सिलेबस पेज भी इसमें मिलने वाले हैं, अलॉन्ग विथ द एंटायर कोचिंग एंड पेपर वन एंड पेपर टू। सो लेट अस स्टार्ट। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, ये यूपीएससी वेबसाइट पे आया हुआ है। ये मेरे नए आने वाले बुक है, ये पेपर टू का बुक है, और ये पेपर वन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का बुक है। सो ये यूपीएससी की वेबसाइट है, यूपीएससी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है। व्हाट्स न्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपका लिंक भी दिया हुआ है। सो ये सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का एग्जाम है, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, आप इसको देखोगे तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। एक डॉक्यूमेंट्स में इसका नोटिफिकेशन का लिंक है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एक बार नोटिफिकेशन पक्का डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। ये एग्जाम फॉर्म का लिंक ओपन हुआ है, ये upsconline.nic.in पे ओपन हुआ है। सो सीपीएफ का यहाँ पे दिया हुआ है, ये दो पार्ट में भरा जाता है, एक पार्ट वन है और एक पार्ट टू है। सो मैं पार्ट टू ओपन करके रख रहा हूँ। आपको सबसे पहले पार्ट वन भरना है, उधर डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन्होंने कहा कहाँ पे क्या करना है। उन्होंने बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म। आप दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ गलतियां हुआ है। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म 10 तारीख से पहले, 10 मई लास्ट डेट है, 6 बजे से पहले आप एक नया एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो सबसे लास्ट में भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और बाकी पुराने वाले एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए पक्का रख लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन आईडी भी पक्का रख लीजिएगा। सो बेसिकली उन्होंने लिखा है कि अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि यानी 10/5/2022 6 बजे से पहले नया आवेदन जमा कर सकते हैं, इट इज अलाउड। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी इंग्लिश में है, लेकिन सिर्फ आप इसको इंग्लिश में ही भर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से भी भर सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन कंटेंट्स 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट में भरा जाता है, पार्ट वन रजिस्ट्रेशन, पार्ट टू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले पार्ट वन आएगा, पार्ट वन भरने के बाद उसमें बेसिक डिटेल्स है, ये करने के बाद ही आप पार्ट टू भर सकते हैं, और वहाँ पे आपको आई एग्री करना पड़ता है। एज फार एज फोटोग्राफ इज कंसर्न, उन्होंने बताया है कि फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और सबसे पहले अपलोडेड होना चाहिए।
Digital side of the file should not exceed 300 KB each and must not be less than 20 KB. तो ये 20 KB से 300 KB तक होना चाहिए और resolution उसका 350x350 pixel by 1000px by 1000px होना चाहिए. बाकी build depth आपको देने का ज़रूरत नहीं है. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फोटो को कैसे एडिट करेंगे. अगर आपका जो फोटोग्राफ आप अपलोड करने के बाद आपको साइन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसको सेम वे में एडिट करना पड़ेगा. और आपको फोटो एडिट कार्ड आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना पड़ेगा. ये पार्ट टू में किया जाता है. और आपको पेमेंट करना पड़ेगा. पेमेंट फीमेल्स के लिए, एससीज और एसटीज के लिए नहीं है. पेमेंट सिर्फ जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए है. वो 200 रुपये है. आप कैश में भी पे कर सकते हो या आप इसको इसमें भी पे कर सकते हो. बैंक में जाके भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन भी पे कर सकते हो. तो ये एक बार आपका पार्ट वन कंप्लीट होने के बाद आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको सेव करके रखिएगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग इसमें यस बोलेंगे. यस बोलने के बाद नया फॉर्म ओपन होगा. यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा. जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है वही आपको यहाँ पे भरना है. तो जैसा 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है वैसे ही भरना है. जेंडर या फिर यहाँ पे मैं अभी ए बी सी डी ई एफ इतना ही नाम भर देता हूं. जेंडर में फीमेल सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि पेमेंट नहीं करना पड़े. डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर रहा हूं. तो डेट ऑफ बर्थ का एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा. आप इस साल 1 अगस्त को 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए पूरे नहीं होने चाहिए. ओबीसी के लिए 28 साल पूरे नहीं होने चाहिए और एस सी एस टी के लिए 30 साल पूरे नहीं होने चाहिए. सो 1 अगस्त आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 के बाद का चाहिए. जनरल कैटेगरी के लिए 2 अगस्त 1994 के बाद का चाहिए. ओबीसी के लिए 2 अगस्त 1992 के बाद का चाहिए. एससी एस टी कैंडिडेट के लिए पिताजी का नाम मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ. माताजी का नाम कुछ भी डाल रहा हूँ. जो आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो. मतलब आपके जो सर्टिफिकेट में दिखा है आप हर बार आपको नेम और सरनेम डालना चाहिए. जरूरी नहीं है. जैसे आप फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो नाम और सरनेम डाल रहे हो तो भी चलेगा, या सरनेम नेम डाल रहे हैं तो भी चलेगा, सिर्फ नेम डाल तो भी चलेगा. इसका कोई फॉर्मेट नहीं है. नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड सारे लोग इसमें अलाउड है. इवन फीमेल्स भी अलाउड है. मैरिड अनमैरिड और बच्चों के साथ भी अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है. कम्युनिटी जो है यहाँ पे आप अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस लिखिए. ईडब्ल्यूएस करने के बाद आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का नंबर लिखना पड़ेगा. सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन जहाँ पे साइन है उसके नीचे लिखा हुआ है वो लिखना पड़ेगा. और सर्टिफिकेट का डेट लिखना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप जनरल सिलेक्ट करते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा करना. अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको क्रीमी लेयर स्टेटस पूछता है. तो जहाँ पे आपको पूछा है डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे आपके पास अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे नो बोलना है, नो. अगर आप येस बोलोगे तो आपको क्रीमी लेयर में कंसिडर किया जाएगा. दिस मीन्स दैट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर दस नॉट बीइंग एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी. सो ओबीसी में अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको यहाँ पे येस नहीं बोलना, आपको यहाँ पे नो बोलना है. जब आप नो बोलोगे तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का इशू अथॉरिटी का डेजिग्नेशन डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए. अभी बहुत लोग का ऐसा होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड आवर फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से. तो ये एग्जामिनेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आया है, 1 अप्रैल 2022 के बाद में आया है. सो इसीलिए ये एग्जामिनेशन के लिए नया फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें इनकम एंड एसेट ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो पिछले साल का कंसिडर किया हुआ होना चाहिए. जिसका मतलब इनकम एंड एसेट आपका जो पापा का सर्टिफिकेट जो है इनकम वो एसेस किया हुआ होना चाहिए 2021-22 का जो खत्म हो गया 31 मार्च को. जो मिलना मुश्किल रहता है, आईटीआर वगैरह अभी रेडी नहीं रहता. सो इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फ्रेश सर्टिफिकेट विच इज एक्चुअली अ वैलिड सर्टिफिकेट
वाई फिलिंग दिस फॉर्म, क्योंकि आपके पास सिर्फ और 20 दिन है, इसमें सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, ना ईडब्ल्यूएस मिलता है, ना ओबीसी मिलता है। सो इसीलिए आप पुराना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, पुराना पिछले साल का सर्टिफिकेट है फॉर टाइम बीइंग जमा कर सकते हो, अभी कोई वेरीफाई नहीं करता है। लेकिन जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, तब आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तब आपको नया सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब अक्टूबर में आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद साइन किया गया नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, और ओबीसी का भी, सेंट्रल ओबीसी का नया ओबीसी और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए, जो 1 अप्रैल 2022 के बाद किया हुआ होना चाहिए, जिसमें असेसमेंट ईयर जो है पिछले साल का है 2021-22, मतलब 31 मार्च तक का असेसमेंट ईयर कंसीडर किया है, ऐसा वाला सर्टिफिकेट लगेगा। फिलहाल आप पुराना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैसे भी सर्टिफिकेट जमा करना नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, अथॉरिटी का नाम लिखना है और डेट लिखना है, कोई भी डेट पुराना वाला जो सर्टिफिकेट पे ऊपर होगा चलेगा। अगर आप यहाँ पे एससी करते हो तो यहाँ पे भी सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सर्टिफिकेट चलता है, कितना भी पुराना चलता है, यू डू नॉट नीड फ्रेश एससी सर्टिफिकेट। सेम इज द केस विद एसटी, एसटी में भी आपको फ्रेश एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट नहीं लगता, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट या फिर सेंट्रल का कोई भी सर्टिफिकेट चलता है, कितना भी पुराना चलता है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप माइनॉरिटी में है या नहीं, ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल पर्पज के लिए है, इसमें कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये लिखा तो आपको सिर्फ रिलीजन का नाम लिखना है। इंडिया में इतने ही रिलीजन्स हैं जो माइनॉरिटी में, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरोस्ट्रियन एंड जैन, इतने ही रिलीजन माइनॉरिटी में है, लेकिन इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जो आपका स्टेटस है वो आप डाल दीजिए, ड्रॉपडाउन में आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कर सकते हो, ऑलरेडी पास द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब आपके पास ऑलरेडी पास हो चुके इसके पहले अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, या फिर अपीयरिंग और हैव अपीयर्ड, अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका एग्जामिनेशन जून जुलाई में होने वाला है, अभी मई जून में होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है, तो उसको आप अपीयरिंग बोलोगे। तो आपके पास अभी इन्होंने नया डाला है कि आपके पास जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपके मार्क्स होने चाहिए, तो ऐसा वाला आपको अलाउड है। प्रैक्टिस करने के लिए जो फाइनल सेकंड लास्ट ईयर में है वो भी आप टेम्पररीली फॉर टाइमिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने से आपको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता, आप प्रैक्टिस करने के लिए भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, एरिया कोड और फोन नंबर ये नहीं डाला तो भी चलता है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसके ऊपर स्टार नहीं लगा, लेकिन मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिए और दूसरा जो ईमेल एड्रेस है वो पक्का डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए ताकि आपकी ईमेल के एड्रेस के ऊपर आपको सब कुछ आता है। आप जब फॉर्म फिल करोगे आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स भी उसमें आ जाएगा। अल्टरनेट ईमेल डाला नहीं डाला तो भी चलेगा, मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ। एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है, मैंने यहाँ पे नहीं बोला, लेकिन अगर क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी है तो यहाँ पे कैटेगरी कोड आपको डालना है। कैटेगरी कोड क्या है, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह। मैंने जनरल सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एससी एसटी सब कुछ आ जाएगा, सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय भी सारा चीज आ सकता है। यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ, कंटिन्यू। सो फोटो आईडी कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर डालना है, आधार का जो भी नंबर है यहाँ पे अपने आप, ये जो भी आपका आधार का नंबर है, जो भी कार्ड है वो डालना है। गवर्नमेंट का आईडी कार्ड लगता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, आपका कॉलेज वॉलेज का नहीं लगता। सो ये पहचान पत्र का नंबर एक मैंने डाल दिया है। मीडियम ऑफ एसे आपको यहीं पे सिलेक्ट करना है, आपको इंग्लिश करना है, हिंदी करना है, सिर्फ ये एक ही आप मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो। पेपर वन आपका बाय डिफॉल्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो उसके लिए अलग कुछ चूज नहीं करना। पेपर टू का सिर्फ निबंध आप किसमें लिखोगे उसका है ये,
तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश कर दिया, एक सर्विसमैन मैंने ना बोला हाँ है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, डू यू फाइनली सिलेक्टेड और रिकमेंडेड एन अर्लियर एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, ये हैव यू होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको नो करना है, फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके फॉर्म का सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप एक बार कंफर्म हो जाओगे कि सब कुछ सही है तो आप इसमें ये VYL150 ये डिटेल डाल के आई एग्री बोलेंगे। जब आप आई एग्री बोलोगे तब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके ईमेल में भी आता है, ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके ईमेल में भी आएगा कि यूपीएससी ने आपको, ये देखिए ये एक मेल आ गया है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन रजिस्ट्रेशन आईडी कि यहाँ पे आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर पार्ट वन, और आपको एक एसएमएस भी आ जाएगा कि आपने पार्ट वन के लिए रजिस्टर किया गया है। लेकिन पार्ट टू का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो नहीं आता, अब पार्ट टू का रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है या आपका फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ है अभी तक। देखो आपको एसएमएस भी आ चुका है मुझे, डियर एप्लीकेंट यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट वन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर सीएपीएमएससी एग्जामिनेशन, योर रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर भी दिया है एंड ये रजिस्ट्रेशन आईडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपने पार्ट टू फिल नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। सो इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं पार्ट टू भर सकूँ। अब ये पार्ट टू कहाँ पे है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे लिंक में हम लोगों ने दिखा था, यहाँ पे डायरेक्टली पार्ट टू आता है। तो ये पार्ट टू जो है, ये पार्ट टू के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्टली एक पूरा विंडो ही अलग डिलीबरेटली ओपन होता है, ठीक है ना, अलग विंडो ओपन होता है ताकि आप उसको कॉपी नहीं कर सको या कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ओपन करके रखा हुआ है, इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी जो मेरा है आईडी आया हुआ उसको कॉपी कर दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये आप ही हो, इसीलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है। और कैप्चा आपको डालना है, कैप्चा गलत आया, ये एक बार आपने कंफर्म कर लिया सब कुछ तो आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्म नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है। कभी कभी वो जीरो समझ नहीं आता, ये कैरेक्टर सेंसिटिव रहते हैं, मतलब अपर केस है लोअर केस है सेंसिटिव रहता है। तो ये चला गया, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ डालना है, आपका स्कैन सिग्नेचर डालना है। तो आपको फोटोग्राफ जो है तो समझिए आपके पास आप फोटोग्राफ लेके चल रहे हो, तो इसमें मेरे पास ये फोटोग्राफ है और मुझे ये फोटो यूज करना है, तो दिस फोटोग्राफ इज वे टू बिग, तो ये 15.9 MB का फोटोग्राफ है और ये फोटोग्राफ तो नहीं चलेगा, सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको मुझे छोटा करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये फोटोग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, एडिट नाम का एक ऑप्शन आता है और एडिट नाम के ऑप्शन से मुझे यहाँ पे उसको रिसाइज करने का ऑप्शन है, ठीक है, रिसाइज करने का ऑप्शन है। पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये फोटो आपका स्क्वायर होना चाहिए, मेरा वाला फोटो अभी कम्प्लीटली स्क्वायर है क्या, यस ये स्क्वायर है चल जाएगा, इसको मैं रिसाइज करूंगा, उन्होंने बोला है कि कितना होना चाहिए पिक्सेल होना चाहिए, तो यहाँ पे 4000 पिक्सल बाय 4000 पिक्सल है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल दूंगा यहाँ पे 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल, ठीक है, ये 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल, क्योंकि कितना भी चलता है ये बस 300 MB से कम होना चाहिए, तो इसको मैंने कर दिया। तो ये जो हो गया 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल, इसको मैं सेव करूंगा, ठीक है, ये उधर ही सेव हो जाएगा, ये ठीक है, ये अभी
सेव इसको, मैं जहां पे मैं करना चाहता हूं उधर सेव करूंगा इसको। ये सेव हो गया, ओके बोल दिया। तो मेरा फोटो भी सेव हो चुका है, मुझे चेक करना है ये वाला फोटो। देखिए इसका साइज 56 KB हो गया, 20 KB से ऊपर चलता है और 500 by 500 कर दिया इसको, मैं 1000 by 1000 भी कर सकता था। तो ये फोटो जो है मुझे अपलोड करना है, तो जब इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ तो मेरा जो ये यहाँ पे मैं फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप उसको अपने आप से एडिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े फोटो को छोटा भी कर सकते हो, उसका साइज भी चेंज कर सकते हो। ये फोटो मैंने डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। दूसरा वाला जो आपको चाहिए ये स्कैन सिग्नेचर चाहिए, तो सिग्नेचर के लिए भी मैं डिलीवरी अभी मैंने स्कैन नहीं किया, यही मैं डाल दे रहा हूँ। नहीं तो आप मेरा सिग्नेचर कॉपी करके, शायद मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, उधर से भी कुछ तो आपने ले लिया, तो क्या करूँगा मैं। तो ये मैंने सिग्नेचर भी डाल दिया। और तीसरा चीज, स्कैन फोटो आईडी कार्ड हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में ही चाहिए। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में मैं एक कोई तो चीज अपलोड कर दूंगा जो पीडीएफ में होगा। अगर आपके पास कोई पीडीएफ नहीं है तो सिंपल चीज है, आपका फोटो जो या आपका आईडी जो स्कैन किया हुआ है, मैं आपको एक सिंपल आइडिया बताता हूँ। जेपीजी टू पीडीएफ नाम का ऑप्शन डालना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च होगा। या सबसे सिंपल जो भी चीज है आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसको आप डायरेक्टली पीडीएफ में सेव कर सकते हो, डायरेक्ट पीडीएफ में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरा फोटो आईडी ये है, तो ये मेरा फोटो आईडी जो है इसको मैं क्या करूंगा, एडिट करने के लिए रख दिया अभी, इसको मैं छोटा करना, ये बड़ा साइज का है तो इसको मैं पीडीएफ करना चाहता हूँ। तो ये पीडीएफ करते हो क्या करूंगा मैं, फाइल में डायरेक्टली सेव एज करूंगा। सेव एज में अदर फॉर्मेट आते हैं, तो यहाँ पे अदर फॉर्मेट में ना यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन आ जाएगा, या तो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको बोलूंगा कंट्रोल पी। ये कंट्रोल पी करने से क्या हो जाएगा, ये प्रिंट होने के लिए जाएगा। जब प्रिंट होने के लिए जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और मैं क्या कर रहा हूँ इसको प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करते हो फिर से पूछेगा कि कहाँ पे प्रिंट करना है, मैं सेम फोल्डर डाल रहा हूँ। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन से, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये अगर ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप इंटरनेट कैफे वालों के पास से भी जाके ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, मैंने पीडीएफ करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैंने पीडीएफ करके सेव कर दिया है। ये देखिए मेरा फोटो पीडीएफ करके सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका फोटो आईडी ऐसा होना चाहिए जो सेव हो गया है। अभी आप यहाँ पे जाके आपको ये पीडीएफ में ही अपलोड करना है, ये पीडीएफ है तो ही अपलोड होगा, और आपको इमेजेस अपलोड करने हैं। तो जब अपलोड हो गए तो यहाँ पे वो बताएगा कि क्या आपकी इमेजेस में कुछ प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, इमेजेस में प्रॉब्लम है क्या, तो एरर इन अपलोडिंग फोटो आईडी का डॉक्यूमेंट, क्यों, क्योंकि पीडीएफ का आकार सीमा से अधिक है, 300 KB होना चाहिए इसने बताया। मतलब मुझे मेरा फोटो आईडी कार्ड जो है उसको छोटा करना पड़ेगा। तो इसको मैं छोटा कैसे करूंगा, सेम तरीके से अभी ये फोटो है मैं इसको एडिट कर दिया, एडिट करके इसको पहले रिसाइज करूंगा। इसको रिसाइज करते वक्त मैं क्या करूंगा, समझो ये पिक्सल है, इसको मैं करता हूं 1000 by 1000। ठीक है, इसको ये ऐसा हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा सेव एज, क्योंकि इसका नाम मुझे अलग चाहिए ताकि मेरा ओरिजिनल इमेज खराब ना हो। ठीक है, अभी ये सेव हो गया है, अभी छोटे साइज का, ये यहाँ पे 1.4 MB आया, यहाँ पे 1.4 MB आया, ये अभी भी काफी बड़ा हो सकता है, इसीलिए मैं इसको और छोटा करूंगा। यहाँ पे अभी मैं परसेंटेज में छोटा कर रहा हूँ, इसको 50% या फिर 40% कर देता हूँ, तो और छोटा हो जाएगा। ये और छोटा हो गया, तो ये और छोटा हो गया, इसको मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद मैंने इसको प्रिंट करने के लिए लगा दिया, प्रिंट करते हुए फिर से पीडीएफ, और ये पीडीएफ करके सेम फाइल में मैं अपलोड कर रहा हूँ।
तो ये बोलेगा कि रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बंद हो गया। अभी इसका साइज है 18 KB, लेकिन ये हो गया 18-20 KB से छोटा। तो मैं देखता हूँ ये अपलोड होता है क्या, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे इसको हम लोग फिर से करेंगे। ये PNG नहीं चलता, JPG फॉर्मेट लगता है। ठीक है, अभी ये PDF का सेम बता रहा है कि उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, सो आई विल हैव टू रीडू इट। सो मैं फिर से एक बार इसी को चेंज करता हूं, इसको ही प्रिंट कर दूंगा, तो ये अपने आप मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। तो इतने थोड़ा सा प्रॉब्लम आना पड़ता है, इसलिए गड़बड़ मत कीजिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू मेक एनी मिस्टेक्स, क्योंकि आप साइन की जगह पे फोटो, फोटो की जगह पे साइन, ये सारी चीजें आप करते रहते हो तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, ये अभी 50 KB का हो गया, सो मैं वहां पर उसको अपलोड करूंगा। ये हमारा फोटो है, ये हमारा JPG वाला साइन है, साइन की जगह मैंने फोटो डाला है फॉर टाइम बीइंग, और ये हमारा नया फाइल है। अभी ये इमेजेस अपलोड हो गए, ये देखिए मेरे इमेजेस अपलोड हो गए। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे साइन आना चाहिए साइन की जगह पे, फोटो की जगह पे फोटो आना चाहिए, और फोटो आईडी की जगह पे वैसा है। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे जो आईडी कार्ड का नंबर है वो फिर से डालोगे, और एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट करके आप ये कर दोगे। तो जो भी आईडी कार्ड आप डाल रहे हो उसका नंबर आप ये करोगे, ठीक है ना, जिस जो भी आईडी कार्ड डाल रहे हो आप उसका नंबर डाल दोगे। आधार या वोटर आईडी कार्ड, ठीक है ना, यहाँ पे आधार नंबर, फोटो आईडी कार्ड नंबर डाल दीजिए। ये वाला पुराना वाला आईडी नंबर ही पूछ रहा है, इसलिए नहीं है। इसके बाद आप एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करके आप डिक्लेरेशन को एग्री करोगे, और एग्री करने के बाद यहाँ पे आई हैव रेड डिक्लेरेशन, और उसके बाद फाइनली फॉर्म सबमिट कर दोगे। जब आप फाइनली फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसके बाद ही आपका ये हो जाएगा, फाइनली फॉर्म सबमिट करने के बाद ही आपका फाइनल ये हो जाएगा। यहाँ पे अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो वेरीफाई कर रहा है कि फोटो आईडी कार्ड मैंने जो पहले दिया है वही है जो मैंने पहले फॉर्म में दिया था, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है फोटो आईडी कार्ड। सो एक बार मैं आपको फिर से ट्राई करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक पूरा दिखाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये है, बेयर विद मी, ताकि आपको एग्जैक्टली प्रोसेस आगे क्या होता है समझ में आ जाए, ताकि आप कोई भी दिक्कतें फेस ना करो। ये फोटो आईडी कार्ड का नंबर ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। (75:88:8) (75:8:08) 4 times 3
3 times 3 4540 ये देखिए वेरीफाइड फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर आ गया, सेम नंबर डाला है, इसलिए मैंने सेंटर सेलेक्ट कर दिया, समझो मुझे डेली सेंटर सेलेक्ट करना है, कर दिया। इसके बाद डिक्लेरेशन को आई एग्री कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है ना, ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। और आप मेरे ईमेल एड्रेस पे अभी मुझे पेमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है, तो आप देखिए ये मुझे दूसरा मेल आ गया है और यहाँ पे बोल दिया है एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड पार्ट वन एंड पार्ट टू, अभी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। फी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है एंड फी नहीं है। सेम मुझे व्हाट्सएप मुझे एसएमएस भी आया है कि आपका पार्ट टू सबमिट हो चुका है। ये देखिए डियर एप्लीकेंट RID number, you have successfully submitted your application for CAPF examination 2022. ये भी आपको आता है, इसको ठीक से सेव करके रख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप हॉल टिकट करने के लिए जाओगे निकालने के लिए तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आपको हॉल टिकट निकालने के लिए वहीं पे एक लिंक आ जाएगा यूपीसी के ऊपर जिससे आपको ये करना है। तो अगर आपको अपना ये करना है तो उसको प्रिंट कर दीजिए, मैं हमेशा ऐसे करता था। तो प्रिंट करते वक्त आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और ये रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आप डाल के आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना फॉर्म फिर से यहाँ पे देख सकते हो और इसको सेव करके अपने आईडी में रखना चाहिए, अपने आपको खुद को मेल करके रख दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन मैसेज मी, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, या फिर अनअकैडमी के ऊपर डेली सुबह 7 बजे मेरा पेपर टू का फ्री क्लास चलता है, उसमें भी आप आ सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर शाम को 4 बजे 5 बजे मेरे हिस्ट्री के सेशन चलते हैं, एमसीक्यू की मेरी नई बैच शुरू होने वाली है और वीकेंड को हमारा टेस्ट सीरीज भी 15 मई से शुरू हो रहा है जिसमें 10 फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। और हमारा नया वाला बैच जो है 27 अप्रैल से पेड बैच शुरू हो रहा है पृथ्वी सीपीएफएसी 2022 नाम से, इसमें मैं आपको पेपर टू और साइंस पढ़ाऊंगा, विशाल कुमार सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, दिव्य गुप्ता मैम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, नितिन राठौर सर मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे, सिद्धांत शर्मा सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, गगनदीप सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, श्री प्रतीक सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे और हिमांशु कुशवाहा सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ये 3 महीने का बैच है, इसमें आप 3 महीने का अनअकैडमी का सीबीएफ सीरीज का एफकैट का सब्सक्रिप्शन लेके आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगा, सारे नोट्स भी मिलेंगे एंड यू कैन यूज द रेफरल कोड CAPABABA टू गेट 10% ऑफ। Thank you very much. Jai Hind. If you have any queries, I shall be live in coming days. Unacademy Shaurya ko follow karna mat bhulega. Mere YouTube channel ko follow karna mat bhulega. Thank you very much. Jai Hind.